दोस्तों अगस्त एंड सितंबर के महीने में ना 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में स्मार्टफोन नए कुछ लॉन्च नहीं हुए हैं। इधर वो 15,000 रुपए के नीचे थे या फिर 25,000 रुपए के आसपास ज्यादातर फोन लॉन्च हुए थे, लेकिन 20,000 रुपए के नीचे कुछ ही ऐसे फोन्स हैं, इधर वो प्राइस कट होके आए हैं और कुछ फोन ऐसे हैं जो पहले से ही लगभग 20,000 रुपए के आसपास और 15,000 रुपए के आसपास डोल रहे थे। तो यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन होना जायज सी बात है, लेकिन भाई फिकर नॉट, हम आ गए हैं आपके कन्फ्यूजन हर मंथ हम ऐसे ही दूर करते रहते हैं। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। हर मंथ हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, यानी कि हर मंथ आपको ऐसे वीडियोस जो है मिलती रहे ताकि आप एक परचेज डिसीजन पे पहुंचे और बढ़िया सा स्मार्टफोन आप अपने लिए लें। नाउ सबसे पहले फोन से शुरू करते हैं, यह है रियलमी की तरफ से रियलमी 10 प्रो प्लस। ये फोन देखो लॉन्च हुआ था करीब 25,000 रुपए के आसपास, लेकिन अब जो है प्राइस घट के आ गई है करीब 21,000 रुपए के आसपास, 20-21,000 रुपए के आसपास। और इस प्राइस में ये जो फोन चीजें देता है काफी लाजवाब है। आइए देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है। करीब 20,999 में आपको मिलेगा 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर विद UFS 2.2 स्टोरेज, दो नैनो सिम कार्ड डलते हैं उसमें, साथ ही 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज का AMOLED स्क्रीन जिसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है आपको 1300 निट्स की, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी OIS कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो के साथ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 67 वॉट्स इनबॉक्स चार्जर। अब इस फोन को देखो रेकमेंड करने का बस एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज प्राइमरी कैमरा मिलता है बढ़िया वाला OIS कैमरा के साथ जो कि काफी अमेजिंग पिक्चर्स लेता है। इतना ही नहीं, बेस्ट पार्ट है इस फोन का इसका डिजाइन और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है आपको यहाँ पर, साथ ही स्टीरियो स्पीकर जो मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाउड चले जाते हैं, यानी कि आप इसमें एक फीचर आया था Realme 10 Pro Plus में Realme लेकर आया था, लेकिन आने वाले सीरीज में इन लोगों ने हटा दिया 200% वॉल्यूम का, यानी कि आप इसको वॉल्यूम को बढ़ाकर एक इसके पीक लेवल पर ले जा सकते हैं 200% तक, जो कि काफ़ी लाउड चला जाता है। चाहे आप कैमरा क्वालिटी ले लीजिए, साथ ही इसका जो बैटरी बैकअप है और जो इसकी चार्जिंग स्पीड है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आपको ज़बरदस्त मिलता है। बात करें गेमिंग वगैरह की तो आप यहाँ पर लो टू मीडियम सेटिंग्स में गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, बहुत अच्छे FPS तो नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ गेम खेलने लायक होंगे, फ्रेम ड्रॉप्स एज सच को मेजर नहीं देखने को मिलेगा लो टू मीडियम सेटिंग्स में। हायर सेटिंग्स यहाँ पर सपोर्ट करता है लेकिन आप लंबे समय तक उसको खेल नहीं पाएंगे। बाकी बात करें कॉन्स के बारे में तो देखो इस फोन में बस एक ही कॉन है, इनका रियलमी UI विद ब्लोटवेयर। अगर आप शुरू में ही ब्लोटवेयर को हटा देते हैं, इन सबको डिसेबल कर देते हैं, हॉट ऐप्स हॉट गेम्स जैसे चीज़ों को, तो आपको एक बढ़िया UI मिलता है जो कि काफ़ी रिफाइंड लगेगा, काफ़ी स्टेबल है और यूज़ करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही है कि बस इस फोन के साथ थोड़े बहुत ब्लोटवेयर आते हैं, बाकी ये फोन चीजें जबरदस्त देता है। अगला जो फोन है वो है Xiaomi की तरफ से Xiaomi 11i 5G। करीब 20,000 रुपए में आपको मिलेगा 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही डिस्प्ले मिलता है आपको 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का AMOLED डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वॉट्स का इनबॉक्स चार्जर मिल जाता है। अब देखो ये वही फोन है जो 120 वॉट के हाइपर चार्ज वाले वेरिएंट के साथ आया था, लेकिन ये वाला वेरिएंट जो है इसमें आपको 67 वॉट्स ऑफ चार्जिंग सपोर्ट ही मिलता है, लेकिन इस प्राइस ये जो फोन डिलीवर करता है काफी बढ़िया है। सबसे पहली चीज बढ़िया लेवल का आपको AMOLED स्क्रीन मिलता है, डिजाइन काफी ठोस लगेगा आपको, गोरिल्ला ग्लास वगैरह प्रोटेक्शन मिल जाता है, IP रेटिंग वगैरह भी मिल जाती है क्योंकि स्प्लैश प्रूफ बनाता है इस फोन को, साथ यहां पर आपको ट्रू स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, स्पीकर के साथ साथ ये फोन में आपको 3.5mm जैक भी मिलता है, यानी कि कुछ ही फोन में से ये एक फोन है जिसमें आपको एक 3.5mm जैक के साथ स्टीरियो स्पीकर ही मिल रहा है। बढ़िया लेवल का कैमरा भी मिल जाएगा, चाहे आप इसका प्राइमरी कैमरा लीजिए, अल्ट्रा वाइड सेंसर ले लीजिए और फ्रंट कैमरा, ये सारे कैमरा आपको इस फोन में काफी अच्छे लगेंगे। इतना ही नहीं, इस फोन में आप गेम्स वगैरह भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। इसके कॉन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा है ये थोड़ा सा स्क्रीन को जो है व्हाइटिश सा कर देता है और बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं कह सकते इसको, इससे बेटर कैमरा परफॉर्मेंस वाला फोन हमने इसमें देख रखा है, लेकिन इसका ओवरऑल डिजाइन, इसका डिस्प्ले क्वालिटी और वाइड वेल एंगल वगैरह का सपोर्ट, जो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ये फोन आपको देता है और उसके साथ जो गेमिंग परफॉर्मेंस देता है वो आपको काफी जबरदस्त लगेगा इस फोन में। एंड नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ, वो है पोको की तरफ से पोको X5 Pro। अब इसकी
जिसकी कीमत है लगभग 19 से 20 हजार रुपए के आसपास, ऊपर नीचे होते रहती है, और इस प्राइस में आपको काफी बढ़िया चीजें मिल जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर विद UFS 2.2 स्टोरेज, 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद HDR 10 प्लस और डॉल्बी विजन सर्टिफिकेशन, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। साथ ही 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वॉट्स का इनबॉक्स चार्जर आपको मिल जाएगा। अब देखो, ये फोन उनके लिए है जिनको एक सर्वगुण संपन्न वाला फोन चाहिए। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिजाइन देख लीजिए, बढ़िया लेवल का इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है, कैमरा भी काफी डिसेंट सा है। इन टर्म्स ऑफ इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी ले लीजिए, उसमें भी आपको HDR क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। बेस्ट पार्ट, इस फोन में आपको वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी। साथ ही अगर आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, इसका स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर जो है आपको हाईएस्ट सेटिंग भी दे देता है, यानी कि थोड़े बहुत आप हाईएस्ट सेटिंग में अगर आप BGMI वगैरह खेल रहे हैं, एसॉल्ट 9 वगैरह खेल रहे हैं, तो आपको थोड़े लंबे समय तक इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस काफी डिसेंट सी मिलेगी। अब देखो, आई नो काफी लोग कमेंट में आके ये कहेंगे कि यार पोको का फोन क्यों सजेस्ट किया, मदरबोर्ड इशू है, फोन जो है बंद हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं इस फोन के भी साथ यही हो। देखो, पोको ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था, पोको भी हो गया, इवन शाओमी भी हो गया, इस सारे जो चीज़ें हैं जो मदरबोर्ड को लेके इश्यूज आए थे वो कुछ कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस में ही आया था, स्पेसिफिक लॉट्स में आया था इवन, तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी उनको उन्होंने रिप्लेसमेंट दिया है। कुछ कुछ को तो फोन्स में अपग्रेड करने का भी ऑप्शन दिया था, जैसे कि शाओमी के कुछ फोन थे, तो ये सारी चीज़ों को कंपनी ने एक्नॉलेज किया है। और यहाँ पर अगर इसमें प्रॉब्लम भी आती है तो शायद से कंपनी भी इस फोन को एक्नॉलेज करे कि भाई मदरबोर्ड इशू है तो वो रिप्लेस कर दें, लेकिन एज सच कोई भी प्रॉब्लम इस डिवाइस में तो मुझे कहीं सुनने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया लगभग सारी चीज़ बढ़िया मिल जाती है। कॉन के बारे में यहाँ पर बताऊँ तो बस जो डिज़ाइन है वो सबको ज़्यादा पसंद ना आए, यहाँ पर आपको पोको की थोड़ी सी लाउड ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है, उसके अलावा ये फ़ोन आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। MIUI आपको जो इसमें मिलता है वो काफ़ी रिफाइंड है, तो ये फ़ोन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सभी मामलों में आपको बढ़िया लगेगा। एंड नाउ अगला फ़ोन है सैमसंग लवर्स के लिए, और ये है सैमसंग गैलेक्सी M34। अब आई नो सैमसंग फ़ोन जो है, जो बजट फ़ोन है, उसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करता है, किसी में चार्जर उड़ा देता है लगभग। देखो, इन लोगों ने तो अब तो जो बजट फ़ोन्स भी आ रहे हैं ना अराउंड 15,000 रुपये के आसपास भी, उनमें भी इन लोगों ने धीरे धीरे चार्जर इंक्लूड करना बंद कर दिया है। अगर आप चार्जर खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग से 500-600 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जो भी प्राइस आप मैं बताऊँगा उसके हिसाब से आप 500 रुपये या 600 रुपये और जोड़ लेना एक चार्जर का, लेकिन इस कीमत के हिसाब से आपको ये जो फ़ोन देता है काफ़ी बढ़िया है। करीब 18,999 मिलेगा आपको 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर आपको सैमसंग का ही एक्जेनोस 1280 का प्रोसेसर मिल जाता है, 6.5 इंच का 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के साथ आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, 6000 mAh की बैटरी मिलती है विद 25 वॉट्स ऑफ चार्जिंग सपोर्ट, और साथ ही यहाँ पर आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। अब देखो, इस प्राइस में सैमसंग वन UI अगर आपको चाहिए और NFC वगैरह का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि अगर आपको वायरलेसली पेमेंट वगैरह करना है सैमसंग पे के थ्रू, तो यही फोन आपको ये सारी चीज़ें देता है। बेस्ट पार्ट यह है कि इनका जो वन UI है आपको अराउंड 3 साल तक का मेजर एंड्रॉयड अपडेट, साथ ही 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है, तो इस प्राइस में आपको जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है सैमसंग सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए देता है, और इस चीज़ के लिए देखो ऑब्वियसली काफ़ी लोग रिलाई भी करते हैं सैमसंग के ऊपर। बस जो डिस्प्ले है उसमें जो बेजल है वो थोड़े से आपको ऑड लग सकते हैं, मोटे मोटे बेजल मिलेंगे, नीचे की साइड में चिन भी काफ़ी मोटा है, और तो और यहाँ पर आपको जो नॉच है वो भी टीयर ड्रॉप नॉच मिलता है, यहाँ पर कोई पंचोल कैमरा नहीं मिलेगा। एंड नाउ फाइनल फोन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है लावा की तरफ से लावा अग्नि 2। अब देखो, लास्ट मंथ मैंने इस फोन को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि देखो स्टॉक की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन मेरा एक पसंदीदा फोन भी कह सकते हैं इसको डिजाइन वाइज, लेकिन इस प्राइस में आपको ये फोन काफी बढ़िया चीजें देता है। थोड़ी बहुत पैसे आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं, अभी के टाइम में तो करीब 20,500 रुपए के आसपास आपको पड़ जाएगा ये फोन, और हो सकता है करीब 20-21,000 रुपए के आसपास भी आपको पड़ जाए, लेकिन जो प्राइस के हिसाब से फोन आपको मिलती है काफी अच्छा मिल जाता है। आइए देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है। लगभग 20-25 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा 8GB रैम विद 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर मिल जाता है विद UFS 2.2 स्टोरेज। डिस्प्ले में आए तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज का HDR 10 प्लस सर्टिफाइड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो एक डेप्थ सेंसर मिलता है, और फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और आपको 4700 mAh की जो बैटरी मिलती है विद 66 वॉट्स इनबॉक्स चार्जर।
ना ये फोन उनके लिए है जिनको एक बढ़िया सा कर्व डिस्प्ले चाहिए, साथ ही लगभग स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक्सपीरियंस, कोई ब्लोटवेयर नहीं है इस फोन में, जो कि मुझे बेस्ट पार्ट लगा इसका। इनका यूआई काफी रिफाइंड हो गया पहले के मुताबिक, और यहाँ पर आपको जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफी अच्छी मिल जाती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अगर आप इस फोन को देखें तो आप गेमिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, बीजीएमआई वगैरह आप हाई सेटिंग में भी चला पाएंगे, और एसफॉल्ट 9 वगैरह भी, यानी कि अगर आप हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम भी खेलते हैं तो ये फोन काफी अच्छे से चला जाता है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप कैमरे की भी बात करें तो यहाँ पर आपको बढ़िया कैमरा मिलता है इसका प्राइमरी कैमरा, जिसमें प्रोसेसिंग भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, लेकिन हाँ इसका जो प्राइमरी कैमरा है आपको निराश नहीं करेगा। इसका अल्ट्रावाइड सेंसर भी आपको काफी बढ़िया लगेगा, साथ ही इसका जो सेल्फी कैमरा है वो भी निराश नहीं करेगा, यानी कि ये जो फोन है आपको ओवरऑल काफी चीजें बढ़िया देता है। ना बात करें इस फोन के कौन के बारे में, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज आपको मोनो स्पीकर मिलेगा, उससे काम चलाना पड़ेगा, लेकिन जो मोनो स्पीकर दिया गया है वो काफी लाउड चला जाता है। उसके अलावा आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर बेस्ट पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स कंपनी रेगुलरली दे रही है, कुछ कुछ शुरू में इनिशियली बग्स इसमें काफ़ी सारे आए थे, डिस्प्ले ब्राइटनेस इशू था और किसी किसी में कुछ और इश्यूज आए थे, तो उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे फिक्स किया है और अपडेट्स इसमें काफ़ी रेगुलरली आते हैं, तो ये मुझे इस फोन के वन ऑफ द बेस्ट पार्ट लगा, यानी कि सिक्योरिटी पैच अपडेट तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो बग्स हैं उसको कंपनी एक्नॉलेज करके फिक्स भी कर रही है। तो लावा अग्नि 2 भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आपको बढ़िया सा कर्व डिस्प्ले वाला एक प्रीमियम दिखने वाला फोन चाहिए तो। एंड नाउ जाते जाते गाइस मैं एक और बोनस फोन के बारे में बताना चाहूंगा, वो है मोटोरोला की तरफ से मोटो एज 40 नियो। अब देखो हाल फिलहाल में ये लॉन्च हुआ है, लेकिन इसकी जो कीमत है ना वो शुरुआत होती है करीब 22,000 रुपए के आसपास, लेकिन अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं तो उसको आप एज लो एज खरीद सकते हैं करीब 19,000 से 20,000 रुपए के बीच में। तो इस प्राइस में अगर आपको ये फोन मिलता है तो मैं कहूंगा भाई कर्व डिस्प्ले मिलता है यहाँ पर आपको, बढ़िया लेवल का स्टीरियो स्पीकर मिलता है, हाल फिलहाल में मैंने इसका एक रिव्यू भी किया है, साथ यहाँ पर इस प्राइस के हिसाब से आपको IP68 रेटिंग भी मिल जाती है, यानी कि काफी तोड़ू फोन है ये, अगर आपको इस प्राइस में ये मिल जाता है तो आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थे वो सारे फोन जो कि आप इस महीने खरीद सकते हैं करीब 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में। आई होप आपको पसंद आए होंगे सारे फोन्स, और देखो हमसे कोई फोन छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और देखो जितने फोन्स मैंने बताए हैं ना सभी फोन्स अपने अपने डिपार्टमेंट में बढ़िया हैं, आप कोई सा भी फोन लेंगे आप रिग्रेट नहीं करेंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूंगा कि देखो जितने फोन्स मैंने बताए हैं सभी में सॉफ्टवेयर अपडेट जो है आने वाले टाइम में 2 साल तक का मिनिमम एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको ये सारे फोन में मिलेगा। बस सैमसंग ये फोन है जो आपको 3 साल तक का OS अपडेट और 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट दे रहा है, उसके अलावा सारे फोन्स लगभग एक जैसे ही अपडेट पॉलिसी के साथ आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही बेस्ट फोन्स की लिस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।